विजयपुर उपचुनाव लड़ेगी भारतीय आदिवासी पार्टी। नेतराम देवरिया को किया प्रत्याशी घोषित। देवरिया बोले दमखम से लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा उपचुनाव में तीसरी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। टिकट फाइनल होने के बाद नेतराम देवरिया ने अपनी चुनावी तैयारी और जनसंपर्क शुरू कर दिया है। कराह संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपका और किस लिए राजनीति में आना चाहते हैं? जी, मेरा नाम नेतराम देवरिया है, जो कि मैं अभी हमारी पार्टी की जो भारत आदिवासी पार्टी है उसकी मीटिंग हुई थी आज, और उसी पार्टी में हमें सभी सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने हमारे नाम पर मोहर लगाई है, जो कि उन्होंने टिकट हमको दिया है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव का? जी, विजयपुर उपचुनाव के लिए टिकट फाइनल हो चुका है। आपके लिए फाइनल किया? जी। क्या राजनीतिक इतिहास है तुम्हारा, क्या थे इससे पहले? जी, मैं इससे पहले छात्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। 2014 से मैंने उनके लिए काम किया है। उसके बाद में मैं अपने जो शहरीय क्रांति है उसका जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और हमारे छात्रों के लिए मैंने संघर्ष भी किया है और लगातार उनके बीच में काम कर रहा हूँ। और समाज की छोटी बड़ी समस्या होती है सभी समाजों की, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। ये जो पार्टी आप बता रहे हैं, ये भारतीय आदिवासी पार्टी अभी नई पार्टी बनी है, इसके क्या मतलब उद्देश्य, क्या लेकर ये आई है? जी, इसके उद्देश्य यही है कि सातों समाज को, गरीब समाज को से साथ में लेकर काम करती है, और एक ही समाज के लिए नहीं है, जो सभी समाजों के हित और अधिकार के लिए आवाज़ उठाती है। आपने क्या सोचा है कि आप राजनीति में आए हैं, तो आपका क्या मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए? जी, मेरा इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों की आवाज़ों को हम उठाएंगे, और जो बेरोजगार की समस्या है उसको भी उठाएंगे। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव तो अभी घोषित हो ही गए हैं और बीजेपी और कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी लगभग तय कर चुकी है, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? जी देखो, जैसे कि बीजेपी है, उन्होंने राम निवास जी को टिकट दिया है, तो जैसे कि हमारा क्षेत्र है आदिवासी विकास खंड, तो उसमें भी आदिवासी को ही टिकट देना चाहिए था। और जब एक पार्टी और है कांग्रेस, सुनने में आ रहा है कि आदिवासी को टिकट में वो आगे कर रही है, और अभी तक उनका टिकट ही फाइनल नहीं हुआ है, जबकि आदिवासी प्रत्याशी और भी हैं, और भी होते हुए उनसे भी अनुभवी प्रत्याशी हैं, जो कि कईयों साल का अनुभव भी रखते हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, और अभी तक भी कांग्रेस उन पर विश्वास नहीं जता पा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है, ये तो समाज ही बताएगी। यानी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के प्रत्याशी ही मतलब सूटेबल नहीं है इस क्षेत्र के लिए? नहीं, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कांग्रेस का तो कोई प्रत्याशी भी इसमें मुझे लग नहीं रहा है। आपकी क्या तैयारी है चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ने की हमारी तो, हमने तो पहले से ही तैयारी कर रखानी है। इसमें क्या है, हमारा जो भी सातों समाज है वो पूरा तन मन धन से सहयोग कर में जुटा हुआ है, और छात्र संगठन जैसे कि सभी समाज के लड़के हमसे जुड़े हुए हैं, वो अपनी आवाज़ को हम तक पहुंचा रहे हैं और हम उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो क्या मानते हो, देखो विधानसभा एक बड़ा चुनाव है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये विजयपुर। जी, क्या तुम्हारे पास वो टीम है जो हर जगह काम कर सके? जी, हमारे पास, हमने 2-5 साल हो गए इसको टीम को बनाते बनाते, और आज वो हमें विजय की ओर ले जाना चाह रही है। ऐसी टीम हमारे पास, मजबूत टीम है जो कभी साथ नहीं छोड़ती है, और ईंट से ईंट बजाने का काम कर रही है वो। क्या बीजेपी या कांग्रेस ने कभी आपसे संपर्क किया, आप जब छात्र संघ में रहे हो तो कभी ऐसा संपर्क किया कि आप उनकी पार्टी के लिए काम करें? जी, संपर्क तो बीजेपी ने भी हमसे किया है, और कांग्रेस के भी कई लोग संपर्क में थे, लेकिन हम उनके नीचे काम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम एक ऐसे छात्र संगठन के नेता हैं कि हमें किसी के नीचे रहने का काम हमें पसंद नहीं आता है, हम स्वतंत्र ही काम करेंगे। मतलब जो बंदिशें जो होती हैं उनसे आप हटके काम करना चाहते? जी, हम इन सभी दोनों पार्टियों से हटके काम करेंगे समाज के लिए। हम समाज में कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, हम सभी के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो क्या अभी तक जो विधायक बनते रहे, क्या वो जातिगत बात रखते थे क्या? जी, वो जातिगत ही बात रख कर ही समीकरण उसी को देखते हुए वो चुनाव लड़ते हैं, जातिगत का भेदभाव करते हैं।
नेत्राम जी, ऐसी क्या मूलभूत सुविधाएं अभी बाकी हैं कराल में जो होनी चाहिए? जी देखो, आप सभी को पता है, जहाँ तक कि मुझे भी ज्ञात है, नगर पंचायत कराल को कहते कहते ही सरकार अभी नगर पंचायत बना नहीं पाई है। और जहाँ तक कि हमारी आदिवासी समाज के लिए भी एक सबरी मंदिर या धर्मशाला नहीं बना पाई है। और भी ऐसी जाति हैं अपनी जिनके लिए धर्मशाला क्या कोई एक स्थान भी उन्होंने चिन्हित नहीं कराया सभी समाज के लिए। तो ये क्या करते रहे फिर विधायक जी अपनी सरकार के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब कुछ नहीं, वो तो वैसे ही फालतू के कामों पे ध्यान देते रहे। आप सभी अपने सोपोर ज़िले में आप देख ही रहे हैं, महिलाओं और बच्चों पे अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जी सरकार क्या कर रही है अपनी, कांग्रेस भी पहले शासन कर चुकी है, कोई रुकाव नहीं लगाए, और अभी भी बीजेपी की शासन है तो उसने भी अभी कुछ भी इसके बारे में कोई प्लान नहीं किया है। अगर हमको निष्पक्ष विधायक चुना जाता है तो हम इस पर अंकुश जरूर लगाएंगे।